आप सभी से निवेदन करतल ध्वनि की अनुगूंज के साथ स्वागत कीजिएगा ऑनरेबल कमीशन का रिनाउंड एक्टर श्री राजकुमार राव जी का और हमारे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स का। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिएगा। मैं आप सभी से निवेदन कर रही हूँ, कृपया आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। राजकुमार राव जी हमारे साथ मंच पर आ चुके हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन, कृपया आप लोग बैठिए। राजकुमार राव जी हमारे साथ ही हैं, पूरे कार्यक्रम के दौरान बने रहेंगे। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज बी सीटेड। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रतिष्ठित अभिनेता श्री राजकुमार राव जी के राष्ट्रीय आइकन घोषित करने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी गणमान्य अभ्यागतों का हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आई वेलकम यू ऑल इन दिस स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज फॉर द साइनिंग एंड एक्सचेंज ऑफ MOU विद रेनाउंड फिल्म एक्टर राजकुमार राव जी फॉर अपॉइंटिंग हिम एज आर नेशनल आइकन। हम मंच पर बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार जी का। जोरदार तालियों के साथ आप भी मेरे साथ इसमें जुड़े। ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर श्री अनूप चंद्र पांडे जी का, ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर श्री अरुण गोयल जी का स्वागत कर रहे हैं, सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर रिस्पेक्टेड श्री धर्मेंद्र शर्मा जी का, रिनाउंड फिल्म एक्टर आदरणीय श्री राजकुमार राव जी का, सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर रिस्पेक्टेड श्री नितेश व्यास जी का और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर आदरणीय श्री मनोज कुमार साहू जी मंच पर हैं, उनका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन कर रहे हैं। साथ ही हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित सभी मान्यगण और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं आज के इस आयोजन में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मे आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल कमीशन टू काइंडली फेलिसिटेट श्री राजकुमार राव जी बाय प्रेजेंटिंग हिम अ सैपलिंग। ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार जी, आप कृपया आगे आएँ प्लीज। ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर श्री अनूप चंद्र पांडे जी एंड ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर श्री अरुण गोयल जी विल नाउ फेलिसिटेट श्री राजकुमार राव जी आर नेशनल आइकन ऑफ ECI। थैंक यू सर। आई वुड नाउ रिक्वेस्ट सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर श्री धर्मेंद्र शर्मा जी to please present a sapling to Honorable Chief Electoral Commissioner Shri Rajiv Kumar ji and welcome him on the dais. May I request Senior Deputy Election Commissioner Shri Nitesh Vyas ji to kindly present a planter to Honorable Election Commissioner Shri Anoop Chandra Pandey ji. I'll now request Deputy Election Commissioner Shri Manoj Kumar Sahu ji to please welcome Honorable Election Commissioner Shri Arun Goyal ji by presenting him a sapling. और अब मैं मंचासीन सभी मान्यगणों से निवेदन करूंगी, कृपया दीप प्रज्वलित करके आज के आयोजन का शुभारंभ करने की कृपा करें। प्लीज सर। आप सभी मान्यगणों का बहुत बहुत धन्यवाद दीप प्रज्वलन के लिए। और अब स्वागत उद्बोधन के लिए हम निवेदन करेंगे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर श्री मनोज कुमार साहू जी से। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम टू यू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार जी, ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर श्री अनूप चंद्र पांडे जी, Honorable EC Sri Arun Goyal ji. As you know, the Commission's constant guidance has helped us to organize such events for voter awareness and education.
Ladies and gentlemen, so here it's a great pleasure that Sri Rajkumar Rao, the Bollywood actor, is amongst us. So on behalf of the Election Commission of India, so I extend warm greetings and a hearty welcome to Sri Rajkumar Rao. And thank you him for accepting the role as a National Election Commission icon. Rajkumar ji, it is an honor to have you on board as the National Icon of the Election Commission of India. I welcome the senior DCs on dais, all the DCs, senior officers of the commission, and all the members of family of Election Commission, guests, students coming from different parts of Delhi, media personnel, and everyone present here. We express our gratitude for that Sri Rao has been appointed as ECI National Icon today. This association is in alignment with the commission's commitment to the motto of nothing like voting, I vote for sure. Having starred in numerous critically acclaimed movies and as well as commercially successful movies, the national award winning actor Sri Rao has now assumed a fresh and unique role as national icon of the Election Commission. I'm sure just as he wholeheartedly embodies every character and makes it his own in his real life, so in similar passion, so he'll wholeheartedly embrace this role as the national icon of the Election Commission of India. Rajkumar ji, as national icon, your influence and reach will surely amplify the efforts of the commission to promote voter awareness. We look forward to your valuable contributions towards these efforts. The recent experience shows that our mission, commission's efforts of no voter to be left behind is somehow affected by the concern of youth and urban apathy. So today, as we are all moving one step forward with our commitment to address this young urban apathy by signing this MOU with Sri Rao. As Sri Rao is here, I would like to mention that just like a movie needs its cast and crew to come together to create magic on the screen, our nation needs all its citizens, especially the youth, to come forward and participate in the electoral process. And we are sure Mr. Rao's effort as national icon will help us educate, aware, and motivate the youth to cast their precious votes. I would like to briefly refer to the movie Newton, where he was the protagonist, which came out in theaters few years ago. But the storyline of it is quite relevant today. It beautifully depicts how democracy means different things to different people in our diverse setup, in our diverse country. So as we are approaching the upcoming assembly elections, 5 states, and the parliament elections early next year, we hope to celebrate the electoral festivities with maximum participation from all sections of the society and make elections inclusive, participative, and accessible as the motto of Election Commission of India goes. So, ladies and gentlemen, once again, I extend warm welcome to Sri Rajkumar Rao, Honorable Commission, and all of you present here. Thank you very much. Thank you, Sri Manoj Kumar Sahuji, Deputy Election Commissioner, for your opening remarks. मतदाताओं को जागरूक बनाने और मतदान के महत्व को समझाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग निरंतर प्रयासरत है. विशेषकर जो नए और युवा मतदाता हैं, उन्हें उनके मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय कर्तव्य से अवगत करवाने के लिए सतत रूप से ECI नए नए इनिशिएटिव लेता रहता है, जिसमें से एक इनिशिएटिव है नेशनल आइकन का चयन. आपको ज्ञात होगा विश्वख्यात क्रिकेटर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी हमारे नेशनल आइकन हैं और वोटर्स को प्रेरित करते हैं. इसके अलावा फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं. और आज हमारे लिए हर्ष और गर्व का अवसर है कि एमिनेंट फिल्म एक्टर राजकुमार राव जी इस लेगेसी का हिस्सा बनने जा रहे हैं और ECI के साथ MOU साइन कर नेशनल आइकन बन रहे हैं. मे आई नाउ हम्बली रिक्वेस्ट ऑनरेबल कमीशन एंड राजकुमार राव जी टू काइंडली एक्सचेंज द MOU. प्लीज सर. और अब हम
ऑनरेबल कमीशन सर, मैं आपसे निवेदन करूँ कुछ देर आप हमारे साथ वहाँ और बने रहें प्लीज़ सर। मैं आपसे गुजारिश करूँगी मंच पर आप आगे हमारे साथ बने रहें और राजकुमार राव जी को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट करके प्लीज़ आप उनको फेलिसिटेट करें, उनका धन्यवाद और सम्मान करें प्लीज़। So now, Honorable Commission will felicitate Shri Rajkumar Rao ji. As a token of thanks, we are giving him shawl and memento. और अब मैं मंच पर उपस्थित सभी माननीय गणों से निवेदन करूंगी सर, कृपया आप लोग पहली पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें क्योंकि अब हम लोग सब फिल्म प्ले करेंगे यहाँ पर। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कृपया आप लोग प्लीज़ विराजें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्येक भारतवासी को इस बात का गर्व है, ये अनुभूति हमेशा रहती है कि हम उस भारत देश के नागरिक हैं जो विश्व के सबसे बड़े और प्राचीनतम लोकतांत्रिक राष्ट्रों में अग्रणी है। इसी भावना को संगीत और शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है हमारा ये गीत, मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं। ശക്തിയാണ് ശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളിൽ
हे भारत इंज भितरे रे भारत में ना इंज के दाल हर इंज भितरे रे दाल में नहा मैं भारत हूँ भारत है मुझ में मैं भारत हूँ ताकत है मुझ में मैं भारत हूँ भारत है मुझ में मैं भारत हूँ ताकत है मुझ में मैं भारत हूँ भारत है मुझ में मैं भारत हूँ ताकत है मुझ में मैं भारत हूँ मतदान देने जाएंगे भारत के लिए भारत के लिए मैं भारत हूँ ताकत है मुझ में विविधता में एकता भारत की पहचान है और विभिन्न भाषाओं में एक ही जज्बे को गुंजायमान करता हमारा ये गीत। आपने राजकुमार राव जी की न्यूटन फिल्म जरूर देखी होगी, ये मुझे पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी कुछ बातें इस फिल्म के बारे में आपको बताना चाहूँगी। दिस फिल्म हैड इट्स वर्ल्ड प्रीमियर इन द फोरम सेक्शन ऑफ द 67th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। राजकुमार राव जी वॉन द एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। बेस्ट फीचर फिल्म हिंदी की श्रेणी में इस कैटेगरी में इस फिल्म को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया एंड दिस फिल्म वॉज सेलेक्टेड एज द इंडियन एंट्री फॉर द बेस्ट फॉरन लैंग्वेज फिल्म एट द 90th अकेडमी अवार्ड्स। साझा आपसे ये करना है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को ये फिल्म जो है रेखांकित करती है कि मतदान का अधिकार और उसका प्रभाव एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या महत्व रखता है। तो चलिए एक बार फिर से इस फिल्म के कुछ ग्लिम्सेस देखते हैं और फिर इसके बारे में बात करेंगे। न्यूटन इंडियन इलेक्शन यानी भारतीय चुनाव 30,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च 84 करोड़ वोटर 90 लाख वोटिंग बूथ। हम आज भी गिनीज बुक में अपना पिछला रिकॉर्ड साफ करते हैं और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। हमने साबित किया है भले ही पार्लियामेंट में गुंडे चुन के चले जाएं, लेकिन हम चुनाव में गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि आप हम आप इलेक्शन कमीशन के चुनाव अधिकारी ऐसा नहीं होने देंगे। पता नहीं मेरे पास 76 वोटर्स की लिस्ट है जो आसपास की बस्तियों में रहते हैं और इन सभी के वोट्स बहुत मायने रखते हैं। न्यूटन बाबू इनको कुछ नहीं पड़ी इलेक्शन विलेक्शन की, सब अनपढ़ गंवार लोग हैं और ऊपर से नक्सलियों ने बॉयकॉट का ऐलान किया है। मैं लिख के देता हूं कोई नहीं आएगा वोट देने। लिख के दीजिए कोई नहीं आएगा वोट देने, मैं ये कलेक्टर ऑफिस में सबमिट कर देता हूँ। लखमा क्या बता रहे हैं? तेंदू पत्ता तोड़ने जा रहे हैं। वो लाओ उनको, लाओ कुछ वोटर आ गए, चलिए वोटर ले लीजिए, लाओ उनको वोटिंग कराओ। ऐसे ऐसे नहीं होता है, वोटिंग के कुछ रूल्स होते हैं, वैसे भी बिना वोटर कार्ड के वोट नहीं ले सकते। अरे सुनिए, आज इलेक्शन है, आप सबको पता है ना? इलेक्शन है पता है ना? हाँ पता है, पता है। हाँ तो हम लोग ये कोनार स्कूल में बूथ लगाएंगे, ठीक है? आप सबको आना है वहाँ। जी हाँ। आप सब आइएगा, ठीक है? और वोटर कार्ड है सबके पास? हाँ है। तो वोटर कार्ड लेके आइएगा, भूलिएगा नहीं, हम लोग वहीं रहेंगे। सब कौन है? क्या ये यहाँ कैसे हो गए लक्ष्य? आपने सर्वे किया था? हाँ जो है वही लिखा था रिपोर्ट में। नहीं क्या नहीं हो सकता, या तो नहीं कर पाएंगे।
मैनुअल के मुताबिक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहीं भी चुनाव करा सकता है। मैं तो पहले ही कहा था नहीं आओ। ठीक है आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं। लखमा, सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनिए। आप सब लोग एक एक करके अपना वोट देंगे। ये देख रहे हैं, ऐसी ही मशीन अंदर है वहां उस कमरे में। ये मशीन आपका वोट लेगी। ये सब नेताओं के नाम है और सामने बटन होता है, तो जिस भी नेता को आपको वोट देना है उसके सामने वाला बटन दबाना है। वोट देना आपका संवैधानिक अधिकार है, इसके लिए कोई आपको पैसा नहीं देता है और ना ही आप लोगों के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती होगी। वोट ही देख मां का बात फायदा है। पूछ रही है वोट देके इनका क्या फायदा होगा? देखिए, ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है, लोकसभा का। आप लोगों को अपने गांव में सड़क, बिजली, पानी, सामाजिक न्याय वगैरह ये सब चाहिए ना, तो जिस नेता को आप चुनेंगे वो ये सब करेगा आप लोगों के लिए। क्या कर रहे हो? नौकरी चली जाएगी आपकी। देखिए बातचीत से हल हो जाएगा। देखिए, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, गन रखो ना। चुप। अरे शोभा नहीं देता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर के हाथ में गन। लाओ पीछे जाइए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो कहीं शुरू कीजिए। हाँ हाँ, क्या नाम है? चांदनी। चांदनी, किसको वोट देना है पता है? हाँ पता है। हाँ ठीक है, मुझे मत बता। ये ले जाओ। क्यों की नकली फाइल? नकली फाइल क्यों की? तो क्या करता मैं? सुबह से चिल्ला रहा हूं सेफ इलाका नहीं है, सेफ इलाका नहीं है। क्या करता? दो साल से मांग रहे हैं नाइट विजन गोगल्स। फालतू में बहादुर बच्चे मर रहे हैं। आपके इलेक्शन पिकनिक के लिए इन गच्चा में डाल। पिकनिक नहीं है ये, ड्यूटी है ये मेरी। ठीक, कुछ जगह पे लोका जी। हाँ हाँ, हुआ? हो गया हो गया। चलो ठीक है, जाओ जाओ तुम। चल चलिए कर, संभाल के कर यार। अब दो मिनट है, रुकिए। दो तीन बजने में दो मिनट है, रुकिए। अभी पीछे है? ठीक, हाँ नहीं, इंतजार कर लो। मैं
इस फिल्म के बारे में आपसे कुछ बात करूं, उससे पहले मैं ऑनरेबल कमीशन से, राजकुमार राव जी से निवेदन करूंगी, हमारे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर से, प्लीज़ आप लोग मंच पर आएँ। न्यूटन फिल्म के कुछ रशेस, कुछ ग्लिम्सेस आप देख रहे थे, आपने भी महसूस किया होगा कि कितनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, जटिल परिस्थितियों में हमारे पोलिंग ऑफिशियल्स जो हैं वो काम करते हैं, लेकिन उनका मकसद एक ही होता है कि सेंसिटिव एरिया हो, रिमोट एरिया हो, मतदान की जब बात करते हैं तो अपने फ्रेंचाइजी का, अपने अधिकार का हर नागरिक जो है वो सदुपयोग करे। बहुत मुश्किल होता है, और आपने ये भी इस फिल्म के माध्यम से महसूस किया होगा कि कई बार जान पे बनाती है, अपनी जान जोखिम में डालकर भी जो दावपेच होते हैं एक व्यवस्था के, उससे लोहा लेते हुए भी किस प्रकार से अपने दायित्वों को अंजाम देते हैं। निवेदन करूंगी आप सभी से, जोरदार तालियां हमारे सभी पोलिंग ऑफिशियल्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं निवेदन करने जा रही हूँ ऑनरेबल कमीशन से कि हम स्पेशल समरी रिविजन पोस्टर जो है उसको रिलीज़ करने के लिए निवेदन करेंगे। आप सभी से निवेदन सर, प्लीज़ कृपया इसको अपने करकमलों द्वारा रिलीज़ करने की कृपा करें। आपको बताना चाहेंगे, स्पेशल समरी रिविजन पोस्टर जो है ये रेलवे स्टेशन्स पर, गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब ये आपको दिखाया जाएगा, लगाया जाएगा, ताकि जितने भी हमारे मतदाता हैं उनको जागरूक किया जा सके, मतदान के महत्व के विषय में बताया जा सके। So this is the poster. मैं ऑनरेबल कमीशन से निवेदन करूंगी, कृपया ऑडियो अनाउंसमेंट को लॉन्च करने की कृपा करें। Our honorable commission will now launch audio announcement. निर्वाचन आयोग विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 करा रहा है। इसके तहत 1 जनवरी या 1 अप्रैल या 1 जुलाई या फिर 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष के हो रहे योग्य युवा एवं भारतीय नागरिक मतदाता बनने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। स्थानांतरित शिफ्टेड मतदाता वोटर लिस्ट में अपना पता अपडेट करें। साथ ही योग्य मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक करें, क्योंकि वो ही मतदाता वोट दे पाएंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में होगा। इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या voters.eci.gov.in पर जाएं। दिव्यांग नागरिक ECI की सक्षम ऐप का प्रयोग करें, क्योंकि वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनहित में जारी। So that was the audio announcement. और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं स्पेशल समरी रिविजन पर ये प्रमोशनल वीडियो। भारत निर्वाचन आयोग स्पेशल समरी रिविजन 2024 करा रहा है। इसके तहत 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या फिर 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष के हो रहे योग्य भारतीय नागरिक मतदाता बनने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। स्थानांतरित शिफ्टेड मतदाता वोटर लिस्ट में अपना पता अपडेट करें। साथ ही योग्य मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक करें, क्योंकि वो ही मतदाता वोट दे पाएंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में होगा। इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या voters.eci.gov.in पर जाएं। दिव्यांग नागरिक ECI की सक्षम ऐप का प्रयोग करें। संकल्प हमारा टूटे ना, कोई भी मतदाता छूटे ना। And now, ladies and gentlemen, I humbly request Honorable Election Commissioner Shri Arun Goyalji for the keynote address. Honorable CC Shri Rajiv Kumar Ji, Honorable EC Shri Anoop Chandra Pandey Ji, Shri Rajkumar Rao Ji and friends. Today we are here, as all of you know, to have Shri Rajkumar Rao Ji joining ECI as national icon to promote the sweep activities to achieve what we have been saying,
no voter is left behind. If we look at the history of Election Commission of India, since 1951, in Lok Sabha, our turnout was 45.67%, which in 2019, that's the last Lok Sabha, rose to 67.4%. A larger part of this value addition or turnout increase happened in the last decade, because prior to that we were stagnating around 55 to 60%. This has happened as a result of various initiatives taken by the Election Commission in terms of facilitating all sections of the society to make the election inclusive, providing assured minimum facilities across polling stations, postal ballot papers for voters with disabilities and senior citizens, and a large number of other initiatives which I don't have to enumerate here. In the process of elections, we touch at two points. First is the time of registration as a voter, which you saw now, just the video as a special summary revision. And second is actual polling, casting the vote at the polling station. In a sequence of initiatives on both the fronts, the most recent initiative on SSR has been that we have now come out with ERONet 2, which is the latest software whereby all elector rolls will be online in a better shape than before, which when you see, you approach it as it was shown in the video, you realize what additions have taken place. As regards the polling station, only 2 weeks back, we have now come out with the most convenient location as the concept. Although the legal instructions in place over decades have been that polling station ought not to be more than 2 kilometers away. But somehow, a large number of polling stations get repeated when the better options have become available because of change in lifestyle, particularly in urban areas. So this happens more in metros where you have multi-story buildings and so on and so forth. So now we have come out with the latest instructions whereby where the people go normally. For example, in a multi-rise building, all the residents would end up going to the community center or the play club within that building or within that, those premises. So what we are advocating now is that polling stations ought to be at the places where the voters in any case end up going in routine. So that's the new concept which we have brought. Now why so? Because I was talking about the polling percentage turnout. Interesting data, if we look at across country, in Bihar, the state turnout is 57%. But in Patna, it is 45%. In Karnataka, the state, it is 68.8%, but in Bangalore, it is 53.7%. In Maharashtra, just take one example of Maharashtra. Maharashtra, it is 61.02%, but in cities like Kalyan, which is next to Bombay, it is just 45%. Or in Pune, it is 49%. Mumbai Northwest is 54%, Mumbai North Central it is 53%. If we look at Telangana, in Hyderabad it is 44% against the state average of 62%. In Uttar Pradesh, in Kanpur, it is 51% against the state average of 59%. So this data shows uniform across our country at the negative side. That is what we call urban apathy. Now this, I have been talking about numbers, but we are sitting with the renowned actor who is the master of emotions. So I was on the wrong side or the other side of the coin. But why we are having him here is because
These numbers can only change by behavioral change, by attitudinal change. That Shri Rajkumar Rao ji is a renowned actor, everybody knows about. He's a darling of the youth, and we are focusing on the urban youth. We need to use his abilities to nudge the urban youth. Now, why for that only Shri Rajkumar Rao ji? I think what we saw in Newton, he knows the whole process inside out. So we couldn't have had anybody better than Shri Rajkumar Rao ji for this purpose. And that's why we are having him as national icon. And he's having millions of followers on Instagram and Twitter, now the X. So we are looking forward to a very fruitful association with Shri Rajkumar Rao ji. It's a challenging task, but the way he has shown in movie Newton, he is absolutely capable of meeting that challenge, and I'm sure together we'll achieve the desired higher voter turnout amongst the urban youth. With these words, I welcome Shri Rajkumar Rao ji to the ECI as national icon and look forward to achieving our target. Thank you. Thank you, Honorable Election Commissioner Shri Arun Goyal ji, for your pertinent address. और अब हम Honorable Election Commissioner श्री अनूप चंद्र पांडे जी से विनम्र निवेदन करेंगे संबोधन के लिए. प्लीज सर. आदरणीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी, आदरणीय निर्वाचन आयुक्त श्री अरुण गोयल जी, करोड़ों भारतीयों के हृदय सम्राट श्री राजकुमार राव जी, यहाँ मंचस्थ हमारे मंचस्थ व सभागार में स्थित वरिष्ठ निर्वाचन आयोग के अधिकारीगण, यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन भाइयों बहनों, आज बहुत प्रसन्नता का विषय है. राजकुमार जी हमारे मध्य में हैं. मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस राष्ट्र में 95 करोड़ वोटर हमारे यहाँ हैं. अगर पूरी दुनिया को देखें तो एक तरफ हमारे वोटर और एक तरफ सारी दुनिया के जितने लोकतंत्र हैं उनके वोटर, हमारा पलड़ा फिर भी भारी है. हम लोग ये प्रयास करते रहते हैं कि कोई भी वोटर छूटने ना पाए, और उसके लिए हमारा ये प्रयास रहता है. और अभी आपने पिक्चर में देखा, इसके जो स्निपेट्स थे, कि कहाँ कहाँ जंगल में, टापू में, नदी में, समुद्र में, पहाड़ पर, नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में, जहाँ पर हर प्रकार के क्षेत्रों में, कहीं सड़क से, रेल से, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, बोट से, घोड़े से, म्यूल से, ऊंट से, हर प्रकार के वाहन से हमारी पोलिंग पार्टीज एक एक वोटर के वोट के लिए जाती हैं. अभी पीछे मैं ले में गया था तो 8-10 पार्टियां हैं रेगुलरली हेलीकॉप्टर से जाती हैं. गिर में अभी हम गए थे गुजरात में चुनाव कराने,
एक वोटर के लिए 10 लोग जाते हैं गिर के जंगल में, मगर वोट नहीं छोड़ना है। उसके बावजूद हम लोग ये देखते हैं कि पिछले चुनाव में 67% मतदान हुआ। लोकतंत्र में हम इलेक्शन कमीशन में चाहे जितने जीओ निकाल लें, जितने शासनादेश कर लें, जितने सर्कुलर कर लें, जितने कर लें, मगर लोकतंत्र की जो जिसे सुदृढ़ता है, लोकतंत्र की जो हेल्थ है, जो उसकी सेहत है, वो उस बात पर निर्भर करती है, डेप्थ ऑफ डेमोक्रेसी इस बात पर निर्भर करती है कि आपके कितने वोटरों ने वोट दिया। और जब कहीं ये मालूम चलता है कि वोट प्रतिशत केवल 40% रहा या 45% रहा, तो हम लोग बहुत दुखी होते। हम लोगों का निरंतर प्रयास ये है कि वोट का प्रतिशत बढ़े, प्रत्येक व्यक्ति वोट डाले। आप किसी कैंडिडेट से संतुष्ट हो ना हो, किसी राजनीतिक दल से संतुष्ट हो ना हो, मगर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करना, ये एक हमारा संवैधानिक दायित्व है और यही हमारे लोकतंत्र को, यही हमारे राष्ट्र को मजबूत करता है। उसके लिए एक ऑप्शन भी दिया है, नोटा, नन ऑफ द अबव, मैं आपको नहीं है, फिर भी आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में लोक की राय, इसी से तो तंत्र चलता है। इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत रहते हैं। अभी हमारे माननीय निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि कई जगह जहाँ जहाँ कम हुआ मतदान, उसका हम एक उसके लिए निरंतर हम लोग परीक्षण करते रहते हैं, क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ। तो एक तो तमाम क्षेत्रों में माइग्रेंट लेबर हैं। माइग्रेंट लेबर ऐसे मजदूर, ऐसे लोग जो दूसरे देश प्रदेशों में नौकरी करने जाते हैं, फैक्ट्रियों में कार्य करते हैं, वहाँ खेतों में कार्य करने जाते हैं, और समय से अपने निर्वाचन, अपने वोट का अधिकार देने अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आ पाते हैं। उनके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं कैसे इनको हम मत का अधिकार दे पाएँ। उसकी प्रक्रिया चल रही है, मगर जो टेक्निकली फिजिबल है, मगर उसके लिए एक पॉलिटिकल कॉन्सेंसस बनाने की आवश्यकता है। रिमोट वोटिंग उसमें कैसे की जा सके, क्योंकि हम लोग जो भी है कॉन्सेंसस से चलते हैं। सब जगह मतैक्य होना चाहिए, जब सब मतैक्य होगा और पॉलिटिकल कॉन्सेंसस होगा तभी हम कर पाएंगे, मगर ये एक बड़ी संख्या है। किस प्रकार से जो माइग्रेंट लेबर है उनको हम इसमें, जिनका मत छूट रहा है उनको हम कैसे इन्वॉल्व कर सकें। दूसरा जो है वो हमारा अर्बन अपैथी है। लोग उस समय कहा करते थे कि जब हिंदुस्तान में आज़ादी मिली 16% लिटरेसी थी, बोले ये लोग कैसे वोट डालेंगे, 16% लोग हैं केवल जो कि लिखना पढ़ना जानते हैं, उस समय की बात बता रहा हूँ, 84% तो जानते ही नहीं, ये लोग जो हैं ये तो अपने कैंडिडेट का नाम भी नहीं पहचान पाएंगे। तो लगता था कि पढ़े लिखे वोटर जो हैं वो ज़्यादा वोट करेंगे। हमारे उस समय 80% लोग गांव में रहते थे, लगे कि ये जो अर्बन वोटर वो तो ठीक है, गांव के वोटर वोट कैसे डालेंगे। 73 वर्ष हो गए इस लोकतंत्र को और दुनिया का सबसे सुदृढ़ लोकतंत्र है। इतने लोकतंत्र आए, कहा कि सेकंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी, थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी, और उसके बाद फिर कहा कि साहब वो कहीं तानाशाही आ गई, कहीं मार्शल लॉ हो गया, कहीं डिक्टेटरशिप आ गई, मगर विश्व के ललाट पर सबसे बड़ा लोकतंत्र आज की तारीख में हमारा देश है। मगर ये था कि जो पढ़ा लिखा वोटर है
जो अर्बन वोटर है कि साहब ये तो जरूर वोट डालेंगे, जो अनपढ़ वोटर है, गांव वाला वोटर, वो वोट नहीं डालेगा। जब हम उसका विश्लेषण करते हैं चुनाव के मतदान प्रतिशत का, तो क्या देखते हैं कि मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, मेरा प्रदेश है, वहाँ गाज़ियाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में, जितने भी अर्बन एरियाज हैं, इसी तरह अभी हम बंगलोर गए थे, वहाँ पर, अन्य जगह पर, सब जगह गांव के वोटर तो 80% 90% वोट दे रहे हैं, शहर वाला पढ़ा लिखा वोटर 40% 45% 50% पर रुक गया। अर्बन एपैथी हमारे देश की बड़ी समस्या है, और जितना पढ़ा लिखा वोटर है, जितना अमीर वोटर है, गरीबों के यहाँ तो आप जाइए तो सब जगह पूरे गांव में आप कवर कर लेते हैं, और बड़े बड़े आलीशान बंगले हैं, वहाँ हमारा बीएलओ भी नहीं जा पाता है, वो बाहर का गार्ड ही रोक देता है, साहब है नहीं, अंदर नहीं जाने देंगे। ये एक अर्बन एपैथी जो एक समस्या है, कैसे इन लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, तो ये कुछ चीज़ें इस प्रकार की हैं। एक और बिंदु ये है, हमारे यहाँ 100 साल के वोटर, 100 साल से भी ऊपर के वोटर, और उनको हम सेलिब्रेट करते हैं, और तमाम लोग, हिंदुस्तान का जो पहला वोटर था नेगी साहब थे ना, नेगी साहब, तो वो हिमाचल में, वो लास्ट हर वोटर उसमें आए, और 100 साल से ऊपर होने के बाद चुनाव का वोट डालने के कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हुई वहाँ पर। मगर 100 साल के वोटर्स को हम करते हैं, वो आते हैं वोट डालने के जाते हैं, मगर यूथ जो है वो उसमें, अभी हम जब प्रतिशत देखते हैं मतदान का, तो लगता है कि यूथ अपैथी है, बहुत काम करने की आवश्यकता है। हमने प्रयास किया है, 18 साल के जो वोटर हैं उनके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं, 17 साल वाले को भी कहा है कि आप रजिस्टर करा लीजिए, जिस दिन 18 के होंगे उस दिन आपका ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और स्कूलों में, कॉलेजों में, वहाँ अलग अलग जगह जाकर हम इसे अप्रोच करते हैं। साल में 4 बार रजिस्ट्रेशन खोल दिया कि भाई 17 से ये 18 साल वाला जो है अगर हो गया है तो छूटने ना पाए इलेक्शन के लिए, तो ये सारी चीज़ें रखी हैं। मगर अभी भी यूथ अपैथी एक बड़ा एक सेगमेंट है, और यूथ वोटर, यंग वोटर को, और हमारा देश जो है 25 साल से कम जो है 56% आबादी है, तो इतनी बड़ी आबादी को, जो यंगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, इतने बड़े यूथ वोटर को यहाँ पर ज़रूरत है, और अधिक से अधिक लोग वहाँ पर उन्हें प्रोत्साहित करें। अब प्रश्न ये हुआ कि हम ये इनको अप्रोच कैसे करें, तो हमारा एक कार्यक्रम है स्वीप कार्यक्रम, स्वीप कार्यक्रम है सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये इस प्रोग्राम के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक वोटर्स तक पहुँचें, मैसेज दें, जो नॉन वोटर्स हैं उन तक भी पहुँचें, उनसे उन्हें ये कन्विंस करें कि तमाम देशों में कंपलसरी वोटिंग है, अपने यहाँ कंपलसरी वोटिंग नहीं है, अपने यहाँ परसुएसिव वोटिंग है, कि हम परसुएड करें, उन्हें ये बताएं कि ये आपका दायित्व तो है, राष्ट्रीय दायित्व तो है, संवैधानिक दायित्व तो है। तो इसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं, स्वीप का जो हमारा कार्यक्रम है ये चलता रहता है, और इसके तहत वहाँ पर हम, अभी आपने ये हमारा एंथम देखा, वो सुभाष घई जी ने बनाया था, सभी प्रदेशों में, सभी आंचलिक उसमें, सभी कल्चरल वहाँ पर प्रयास करते हैं कि हर सेगमेंट में वहाँ जाएं। और ये राष्ट्रीय आइकन जो है, क्योंकि मेरे आपके कहने से, सरकारी कार्यक्रम करने से वो ये हो सकता है कि हमारी इतनी अपील ना हो, जो वोट नहीं कर रहा है वो ना करे, मगर अगर राजकुमार जी कह देंगे तो मुझे लगता है उसकी अपील कहीं ज़्यादा होगी। यूं तो इस हॉल में हमने कई आइकन यहाँ पर राष्ट्रीय आइकन रखे, 2-3 तो मुझे ध्यान है, मगर
अगर सबसे ज़्यादा जिसे सुपात्र आइकन कहें, जिसने पूरी फिल्म बना डाली हमारे उसके, और मैंने राजकुमार जी मैं यकीन बताऊं वो पिक्चर देखी, बहुत सारी चीज़ें मुझे मालूम नहीं थी, वो सारी चीज़ें मुझे आपकी फिल्म देखने के बाद मालूम चली। तो सबसे सुपात्र आइकन अगर कोई हो सकता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वो राजकुमार जी से बेहतर कोई आइकन नहीं हो सकता। तो स्वीप के एक्टिविटी में हम यही प्रयास करते हैं कि हम किस तरह से लोकतंत्र को मजबूत करें, कैसे लोगों को जोड़ें, और उसे जोड़ने के लिए इस पूरे राष्ट्र में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनसे इस राष्ट्र की जो हृदय गति है वो जुड़ी हुई है। तो ऐसे आइकन्स को हम लेकर आते हैं, और आज हम ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि राजकुमार जी इसमें जुड़े हैं। अभी न्यूटन पिक्चर में देख रहा था, तो पहले तो हमने पिछले कुछ दिन पहले पंकज त्रिपाठी जी को जोड़ा था न्यूटन फिल्म में, अब न्यूटन फिल्म के दूसरे जोड़ीदार आप उसके साथ जुड़ गए हैं। तो मैं इसी उसमें स्वीप वालों को बधाई दूंगा, और आपका मैं इस ओकेजन पर पुनः स्वागत करूंगा। आप इलेक्शन कमीशन परिवार के साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत। इसी से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे जी, आपके प्रेरणा व प्रोत्साहन से भरे उद्बोधन के लिए। अभी जैसे हमारे इलेक्शन कमिश्नर सर कह रहे थे, तो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस बार का थीम भी यही है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और हमारा ध्येय वाक्य है, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। आप बहुत देर से मुझे मालूम है सुनना चाह रहे हैं। हमारे बहुत से फिल्म कलाकार, खासतौर से जो अभिनेता अभिनेत्रियां होते हैं आज के दौर के, वो ये कहा करते हैं कि वी आर ब्लेस्ड, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें अलग अलग जिंदगियों को, अलग अलग किरदारों को, अलग अलग अनुभवों को जीने का, उनसे गुजरने का मौका मिलता है। आज हम भी कह सकते हैं हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें मौका मिल रहा है हमारे अपने न्यूटन राजकुमार राव जी को सुनने का, कि इस फिल्म से जुड़े उनके जो अनुभव हैं वो हमसे साझा करें, और उनका जो वोटिंग को लेकर अपना एक्सपीरियंस अब तक रहा है वो हमसे शेयर करें। लेकिन उनको आमंत्रित करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आम आदमी के किरदार वो निभाते हैं, लेकिन नाम राजकुमार है तो उसमें भी राजकुमार बन के लीक से हटकर कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हम सबके दिल पे छा जाते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं निवेदन कर रही हूँ राजकुमार राव जी से। Hello everyone. Extremely happy to be here. First of all, I just want to thank Election Commission, our Honorable CEC, Shri Rajiv Kumar Ji, our Honorable EC, Shri Anup Chandra Pandey Ji, our Honorable EC, Shri Arun Goyal Ji, that they chose me to be the national icon, because this is something which, as we mentioned earlier, I strongly, strongly feel for. I strongly believe in our democracy, and I strongly believe in the importance of voting, because I've done a film called Newton, and I know how hard it is for you people, for you guys and your officers, to conduct elections in such remote areas. I've seen it personally during the process of filming Newton. I learned it firsthand, that how hard all of you work for us to exercise our right to vote. And still, the data that you have just shared with us, it's certainly, it will be very demoralizing for all of us, that after working so hard and motivating everyone to come and exercise our right to vote, still we don't end up voting, so many of us. So today, I stand before you with immense pride and a deep sense of responsibility as I assume the role of the national icon for the Election Commission of India. It's a privilege that comes with a profound responsibility and a commitment to our democracy and the people of our great nation.
As an actor, I portrayed a variety of roles, you know, each with its unique challenges and stories. But today, I take on a role that transcends the silver screen. I step into the shoes of a messenger, an advocate for the most fundamental act of citizenship, which is voting. Before I embarked on this incredible journey in the world of cinema, I was, and I still remain, a citizen of this great nation, just like all of us. I have a stake in the destiny of India, and this is where my journey into the realm of voter awareness begins. Let me tell you, my friends, through the characters I portrayed on screen, I've had the privilege to delve into various facets of human life. You know, each role adding depth to my understanding of the diversity of our nation. These experiences have reinforced my belief in the power of the collective, a power that extends to our role as citizens. Our collective voice, expressed through our votes, has the power to form a participative democracy, much like the collective efforts of the film industry to shape the entertainment landscape. You know, the film industry has taught me the value of unity in diversity. Just as our films celebrate India's rich cultures, tradition, languages, and beliefs, a democracy thrives on the diverse voices that come together to create a harmonious nation. It's a microcosm of what India is, a tapestry of colors, languages, and perspectives. Today, I'm not standing here to promote any film, to promote any series. I'm standing here to promote the most important aspect of our democracy, which is voting. You know, I also live in a city, as sir was telling us, that especially in urban areas, not many voters turn up. And I want to talk to you guys today, sitting in those rows behind, my dear students. I know you guys must be very busy with your work, with your education, on your social media, checking out reels and everything. But trust me when I say that, the feeling that you get when you cast your vote is something you cannot experience anywhere else. The feeling of participating in a democracy, the feeling of participating in the forming of a government, that's the best feeling. And you don't want to miss out on that. I want to urge and request all of you, please spread the message across that we have to make sure that we go and vote. Because it's the biggest power you have in a democracy as the citizen of our country. You know, there's no point complaining later, this is not happening, that is not happening, if you don't exercise your vote. Because the power is in your hands. So I want to request all of you today, especially our students who are sitting behind, do you guys promise me that you're gonna vote this time? Yes. I can't hear you. What? Yes. Promise? Yes. And would you tell your friends and everyone around you to do the same? Thank you so much. See, we all of us work so hard. Like as an actor, we work so hard when we make a film. And when you guys don't turn up to watch it, how bad we feel, right? Same way. We work so hard to conduct elections, and even you guys don't turn up, like when you'll have a business later on, and if it doesn't work, you'll feel bad, right? Same, I think we have to go out in numbers, and this election, Let us show everyone, the whole world, how we are so equally participating in a democracy. Let us break all our previous records and create the biggest record ever by participating in elections. I have immense faith in our youth. I think you guys are very sharp, very intelligent. You understand your duties very well. I'm just here to show you the mirror that we have to. We have to and we must exercise our right to vote. Thank you so much.
Thank you, Rajkumar Rao ji, for sharing your experiences with us, for working in that film Newton, and for encouraging our youth. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, may I have the privilege of inviting Honorable Chief Election Commissioner, Shri Rajiv Kumar ji, and request him to kindly deliver his address. Sir, please. Honorable Election Commissioner Shri Anup Chand Pandey ji and Shri Arun Goyal ji. The heartthrob of millions and billions, Shri Rajkumar Rao ji. Friends, manch pe aseen sabhi uch padadhikari, media sathiyo aur sabhi students. Sabse pehle Rajkumar Rao ji ko bahut bahut dhanyawad. आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े एंड इसके लिए एक बार बहुत जोर से उनका तालियों के साथ स्वागत करें। आपने अभी सबको एक मैसेज दिया और उस मैसेज के पीछे कितनी ताकत छिपी हुई है इसका एहसास हमें सबको होगा जब 2024 और इन पांच राज्यों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। मैं बहुत आश्वस्त हूँ इस बात के लिए और एक बार और उन्हें जोर से ताली बजा के ये बताइए कि जितना भी एसोसिएशन हमारे साथ कर रहे हैं ये प्रो बोनो कर रहे हैं, इसके लिए कोई हम इन्हें फीस नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ जो पैशन है उनका वो सिर्फ न्यूटन पिक्चर बनाने तक नहीं है, उसके आगे भी है, विच इज़ गेटिंग रिफ्लेक्टेड टुडे इन योर प्रेजेंस हियर। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को भी एक बात बताना चाहता हूँ, एक बार अगर डेमोक्रेसी में वोटिंग के और इलेक्शनरिंग प्रोसेस से जुड़ जाएंगे तो ये ही पैशन आप लोगों में भी डेवलप हो जाएगा। यू विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ डेमोक्रेसी इफ यू लुक अराउंड, बिकॉज यू आर ऑल स्टूडेंट्स ऑल्सो हियर एंड वी आर कनेक्टिंग टू द स्टूडेंट्स टू द ऑल वोटर्स। यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ मच इज द इंट्रिंसिक पावर ऑफ द डेमोक्रेसी, हाउ मस्ट वी डीप इन इट, क्या पावर है उसकी। इफ यू लुक एट द कंट्री कितनी डाइवर्सिटी है, जो वो फिल्म के बारे में बोल रहे थे कि फिल्मों में वो डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट होती है, वही रिफ्लेक्ट होती है पूरी की पूरी सोसाइटी में, ज्योग्राफिकल क्लासेस कास्ट रीजन्स वाटर्स एवरीथिंग वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन द कंट्री। एंड विद दैट डाइवर्सिटी कम्स टू थ्री थिंग्स, विद द डाइवर्सिटी कम्स द आर्ट ऑफ एकोमोडेशन, सबको एक साथ लेके चलने की ताकत उससे आती है और उसी के बीच में कभी कभी रिफ्ट्स भी पैदा होते हैं। तो वो रिफ्ट्स कहाँ जाके रिजॉल्व होते हैं, वो डेमोक्रेसी से रिजॉल्व होते हैं। हमेशा गवर्नमेंट्स बदलती हैं सिर्फ आपके वोट से, और जितना इंडिपेंडेंस के बाद से प्रोग्रेस हमने की है वो किस लिए की है, बिकॉज डेमोक्रेसी सर्वाइव्स एंड थ्राइव्स इन दिस कंट्री। तो उसके लिए आप सबको पूरे एक बार हम सबकी तरफ से आह्वान कि आप जरूर जरूर हमारे साथ जुड़े। अगर जैसे अभी ऑनरेबल ईसी साहब ने कहा, एक छोटी सी पिक्चर आप लोगों को अगर दिखाएं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है जो हम इलेक्शंस करते हैं, तो 95 करोड़ वोटर्स पूरा यूएस कनाडा पूरा यूरोप पूरा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट जोड़ दीजिए, उनके वोटर्स से ज़्यादा। ये तो सिर्फ नंबर की बात हुई, चलिए नंबर तो हमारा ज़्यादा है ही, कोई बात नहीं, अब क्वालिटी की बात करते हैं। अगर इसमें 95 करोड़ में कौन लोग हैं इसको देखें तो लगभग मेल फीमेल बराबर है। जब इंडिपेंडेंस हुई थी उसके बाद में जो साक्षरता थी और जो महिलाओं की भागीदारी थी वो कम थी, और आज हमें इस बात पर गर्व है कि हमारी महिलाओं की भागीदारी वोट देने में मेल से ज़्यादा है। कम से कम 20 राज्य ऐसे हैं जिनमें निश्चित रूप से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और उसका एवरेज भी कंट्री में ज़्यादा है। यूथ, हम अपने इलेक्टोरल रोल में एक पूरी प्रोफाइलिंग करते हैं, 18 से 19 कितने लोग हैं, फीमेल वीमेन कितने हैं, 80 प्लस कितने हैं, 100 प्लस कितने हैं, ट्रांसजेंडर कितने हैं। तो आप देखिए, तो हमारे यहाँ
80 प्लस लोग हैं 1.84 करोड़. हमारे और आपके सबके दादाजी और दादी सब यही लोग हैं. एंड सच ए प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी हैव 1.84 करोड़ एल्डर्स. एल्डर्स मीन्स वो आर 80 प्लस. हम लोग सीनियर सिटीजन 60 प्लस पे नहीं जा रहे. सच ए ह्यूज नंबर. और इसमें से 2.5 लाख ऐसे हैं जो 100 साल से भी ऊपर हैं. और बिलीव मी सबके सब अधिकांश वोट देने आते हैं. अधिकांश. हाउ डू वी मेक द एंटायर इलेक्ट्रल रोल इंक्लूसिव? कैसे बनाएं बताइए. तो हमने क्या चालू किया, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. वो भी सोसाइटी के उतना ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जितना कि मैं और आप हैं. एक्चुअली दे आर मोर एबल इन मैनी सेंसेज देन ऑल ऑफ अस. उनकी भी संख्या हमारे पास 81 लाख से हमारे इलेक्ट्रल रोल्स में. इज इट नॉट ए मैटर ऑफ प्राइड दैट वी हैव बीन एबल टू मार्क ऑल द PWDs एज फार एज पॉसिबल इन टू आर इलेक्ट्रल रोल्स. ट्रांसजेंडर्स, सेक्स वर्कर्स, सब. जहाँ न्यूटन बनाई आपने, आपने तजुर्बा किया होगा कितना टफ इलाका है वो. आपने तो हालांकि स्टूडियो में किया होगा, लेकिन इट इज सच ए टफ रियल लोकेशन. सो जिस जगह में इन्होंने फिल्म बनाई वहाँ पर अभी अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस को देखें तो उस क्षेत्र के जो निवासी हैं वो काफ़ी अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस में नीचे. रोड, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, शिक्षा. और उसमें कुछ हैं जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो 75 हैं पूरी कंट्री में. और हमने क्या बीड़ा उठाया, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ मेकिंग द एंटायर इलेक्ट्रल रोल एंड इलेक्ट्रल प्रोसेस इंक्लूसिव एंड ऑल्सो पार्टिसिपेटिव. तो क्या कहा हमने कि सब PVTGs को हम खास तौर से अपना वोटर बनाएंगे. और ये जो 5 राज्यों में इलेक्शन चलने वाले हैं अभी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, सब में हमने जितनी भी PVTGs हैं सबको 100% रजिस्टर कर लिया. और जो वो बूथ आपको दिखा रहे थे, उस बूथ पे अगर 10 वोटर हों, चाहे 25 वोटर हों, चाहे 50 वोटर हों, हम वोट लेने जाएंगे. और आप यकीन करिए, कभी आप लोग फिल्म में तो देखेंगे ही, वैसे भी कभी सोचिए उस इंटीरियर फॉरेस्ट एरियाज में पूरी फोर्स के साथ जाना जहां उनको अपनी लाइफ का खतरा है, और लोग जाते हैं और वोट लेके आते हैं. और फिर देखिए हमारी मतलब जो विविधता है. वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है वो इंडिया में, हिमाचल में हाईएस्ट. और उसके अपोजिट चले जाइए नॉर्थ में, साउथ में, तो करीब करीब 7600 किलोमीटर की कोस्ट है. कोस्टल एरिया में बहुत सारे आइलैंड्स और बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ दो दो लोगों का, एक एक लोगों का वोट लेने हमारे 15 लोग जाते हैं. और वेस्ट में जाइए तो डेजर्ट है, और अगर ईस्ट में जाइए तो वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड है. तो सोचिए हमारी मशीन कैसे काम करते हैं, हाउ मच प्रिपरेशंस वी मेक. जब रेगिस्तान में जाती हैं तो मशीन से जो स्लिप निकलती है वो मॉइस्चर कम होने की वजह से टाइट हो जाती है पापड़ के जैसी. जब ईस्ट में जाती है तो मॉइस्चर में आ जाती है, और जब हिल्स में जाती है तो वो हमें माइनस टेम्परेचर में काम करना पड़ता है. सो वी मेक अरेंजमेंट्स फॉर एवरीथिंग. नाउ अभी क्या होने वाला है हर साल, व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ अस. हम अभी एक हर साल अपने इलेक्ट्रल रोल को रिवाइज करते हैं. तो जो राउत साहब ने अभी आपसे कहा कि आप वोट देने जाएं, तो उसके लिए जरूरी है पहले कि आप वोटर बन जाएं. तो हम एक प्रोग्राम अपने मन में मान के चलाते हैं, रोल टू पोल. रोल में आप एंट्री लें, एवरीबडी इन द कंट्री इन हाउवेयर एवर वन इज, और पोलिंग पे जाएं. तो अभी जो हमारा इलेक्ट्रल रोल का कार्य है वो कल से पूरी कंट्री में शुरू होने वाला है, एक्सेप्ट 5 स्टेट जहां चुनाव हो रहे हैं. और वो क्या होगा उसमें कि कल यानी 27 तारीख से हर जगह में पोलिंग की, जो हमारा इलेक्ट्रल रोल है उसकी दो दो कॉपी हम सब पॉलिटिकल पार्टीज को दे देंगे. उनसे कहेंगे कि आप देखिए, हर पोलिंग स्टेशन पे उसकी कॉपी लगा देंगे. हर पोलिंग स्टेशन पे बूथ लेवल अफसर मौजूद रहेगा, आपको वहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है,
वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाइए, आपको अपना नाम जुड़वाना है, आपको अपना पता चेंज करना है, फोटो चेंज करना है, मोबाइल नंबर ऐड करना है, एनीथिंग यू वांट टू डू यू कैन डू फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. दिस इज ऑल डिजिटली पॉसिबल एंड देयरफॉर आवर रिक्वेस्ट वुड बी दैट इसमें निश्चित रूप से रूल को प्योरिटी के लिए और हेल्थ के लिए आप लोग सब इससे जरूर जरूर जुड़े. और उस जुड़ने में जो यंग पॉपुलेशन का रोल है, अगर आप देखें तो जनरेशन जेड जिसको बोलते हैं, नेक्स्ट जेन जनरेशन, जो यानी 13 से 27 साल है आज, या उसके नीचे हम बोलें तो जनरेशन अल्फा विच इज़ 2010 ऑनवर्ड्स, विच इज़ ऑल्सो नाउ 13 इफ यू गो टू द 2010. दीज आर दी वंस जो पूरी सेंचुरी, लगभग पूरी सेंचुरी, आप 2050 आप सोचिए, 2040 सोचिए, 60 सोचिए, हम लोग नहीं होंगे लेकिन आप लोग सब होंगे उसमें. तो ये जो डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है, ये जो वोट देने की जो एक पैशन है, ये अभी से आपके अंदर अगर डेवलप नहीं होगा और अगर यूथ अपैथी बनी रहेगी तो सोचिए आने वाले समय में जब आपकी जिम्मेदारी होगी तब क्या होने वाला है. देयरफॉर इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट ऑल दी यंग पर्सन्स इमीडिएटली गेट इन टू दी हैबिट. और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, और नया ये तो आज राव साहब के साथ किया, हम मिनिस्ट्रीज के साथ भी इसमें MOU कर रहे हैं, HRD के साथ. उसमें क्या कर रहे हैं कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में जो 9th+, वॉट इज एग्जैक्टली डेमोक्रेसी, कैचिंग देम यंग. 18 साल हो गए, वोटर बन गए, लेकिन वोटिंग के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, इथॉस के बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में उतना पता नहीं लगा. तो वोट किसको देना है, कैसे देना है, क्या क्या कंसिडरेशंस उनके दिमाग में होने चाहिए, उसके लिए पूरी बैकग्राउंड नहीं बनी. सो उस MOU के अंदर वी आर गेटिंग इट इनटू क्यूरिकुलम एज टू हाउ द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी शुड गेट इनग्रेन्ड इन द माइंड ऑफ द चिल्ड्रेन. And we catch them young. This is also we are going to do very soon. 5 states. Imagine, 5 states mein kareeb 60 lakhs first time voters hain. 60 lakhs. Aur wo kyon ban paye? Usme se 15 lakh aise hain jo isliye ban paye ki amendment humne kiya jisme ab aap 4 date mein apna eligibility bana sakte hain. To those, jaise kal se maine kaha SSR shuru ho raha hai. तो जो लोग 1 जनवरी 2024 को 18 साल के होंगे वो सभी पात्र हैं वोटर बनने के. लेकिन जो 1 अप्रैल को होंगे या 1 जून को होंगे, जुलाई को होंगे, वो भी पात्र हैं. अब क्वार्टर में, फर्स्ट ऑफ द क्वार्टर में जो भी बनने वाले हैं, तो जो लोग 1 अप्रैल को बनने वाले हैं, होने वाले हैं 18 साल के, वो भी अगर हमारे यहाँ अप्लाई करें तो उनकी एडवांस एप्लीकेशन हम अपने पास रखें. एंड वेन एवर दे टर्न 18 वील मेक दम वोटर. एंड Those who are becoming 18 up to 1st of April 24, many of them would be able to vote in the general elections. Therefore, this is the chance that we are starting from tomorrow, and all can become voters. Friends, agar Rao saab ko jo appeal hai, उसके बारे में हम सब लोग बात कर चुके हैं, जान भी चुके हैं, निश्चित रूप से हम पीछे सचिन जी हमारे साथ जुड़े, अभी राव साहब जुड़ रहे हैं. तो आई ऑल्सो अपील टू द इन्फ्लुएंसर्स, दिस इज द फोरम फ्रॉम विच आई वॉन्ट टू अपील टू ऑल द इन्फ्लुएंसर्स, जो जिस क्षेत्र में भी इन्फ्लुएंसर है, कला के क्षेत्र में है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, प्रेस के लोग हैं सब, your press fellows are the biggest influencers in guiding the thought process, in making people informed about the democracy, about the SSR for instance. So hamari sabse appeal hai ki jitne log influencer hain aur ek dusre ko bata sakte hain, jaise abhi Rajkumar ji ne aap logo se kaha, youth se, ki become our ambassadors. Aap khali vote nahi denge, आप अपने साथ में जो आपके स्कूल के आसपास या कॉलेज के आसपास के लोग हैं उनको भी लेके जाएंगे. सो यू आर आर एम्बेसडर्स, यू आर आर इन्फ्लुएंसर. सो वन एटलीस्ट टेकिंग वन मोर फॉर वोटिंग, दैट इज व्हाट इज द मिनिमम बाय विच वी विल ब्रिज दिस गैप ऑफ 30%
which is still people are not voting. Friends, सभी रोल से, जैसे वो अभी फिर राजकुमार जी एक बात और कह रहे थे आपसे कि हम दिन भर फ़ोन पे कुछ कुछ करते रहते हैं, कंप्यूटर पे और फ़ोन पे, सिर्फ इसी का तो इस्तेमाल करना है वोटिंग में भी। अगर एक दिन का एवरेज रखेंगे तो कुछ भी नहीं, तो 8-10 हज़ार बार तो इससे फ़ोन की बटन्स को हम लोग दबाते ही होंगे, तो एक ही बार तो दबाना है, तो दबाएंगे ना पक्का से, उतनी ज़ोर से बोलना पड़ेगा दबाएंगे। सो अपना भी और अपने साथ में कम से कम एक दो लोगों को ले जाना है। टॉक टू योर पेरेंट्स, टेक देम अलोंग, टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, टेक देम अलोंग, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टेक देम अलोंग। एंड इवन इन दी यूनिवर्सिटी इलेक्शंस, हूसएवर इज मोर एथिकल, प्लीज स्प्रेड दैट एथिक्स ऑल्सो इन टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, एंड दैट इज फ्रॉम वेयर यू गेट ग्रूम्ड टू अलेक्ट द राइट काइंड ऑफ ए पर्सन एंड डू ए पार्टिसिपेशन। सो सभी रोल में अपना नाम जुड़वाएं, अगर कोई गलतियां हैं तो उसको भी ठीक कराएं। 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक ये होगा, और पहले अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उनमें हमारी और हमारे पूरे कमीशन की और आप सब एम्बेसडर्स की अपील है कि वो लोग वोट देने ज़रूर आएँ। ये उनसे हमारा आग्रह भी है, अनुरोध भी है, आह्वान भी है, और अगर बोलूं तो उल्हाना भी है कि जो नहीं आते वो थोड़ा आए। ये बहुत ही खास होगा अगर वो लोग आएंगे, और एक एक वोट का मूल्य लोकतंत्र के लिए अमूल्य। इसी के साथ आप सब लोग जरूर जरूर आएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी आपके उद्बोधन के लिए, और चुनाव प्रक्रिया के आपने विभिन्न बिंदुओं से हमें अवगत कराया और युवाओं को प्रोत्साहित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर वर्ड ऑफ थैंक्स मे आई इनवाइट डायरेक्टर स्वीप श्री संतोष अजमेरा जी। ऑनरेबल कमीशन और एस्टीम्ड गेस्ट फॉर टुडे श्री राजकुमार राव, सीनियर ऑफिसर्स ऑफ ECI, माय फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड ऑल द अटेंडीज प्रेजेंट टुडे, on behalf of sweep division at ECI, I would like to take this opportunity to thank winner of many film awards including national award, the renowned film actor Shri Rajkumar Rao, for accepting the role as national icon. I am sure Rajkumar ji, your contribution as national icon would be highly inspiring for our voters, the way it has inspired the nation through your films, mainly the film Newton. Your appeal will make our voter education program not only impressive but also highly impactful. Despite your ongoing busy schedule, thank you Rajkumar ji for your kind presence today. I would like to take this opportunity to convey my heartfelt thanks and gratitude to the Honorable Commission for introducing Sri Rajkumar Rao in our ECI family. Today we have with us most active and supportive commission headed by Honorable Chief Election Commissioner Sri Rajiv Kumar and Honorable Election Commissioners Sri Anup Chandra Pandey and Shri Arun Goel. The commission has always been very supportive for the cause of ensuring ease of voting for our voters and ensuring their increased participation in the electoral process. Honorable commission, as the head of the family, is a constant source of inspiration and guidance for all of us. It is the commission which is behind the success of our elections, electoral processes and its recognition not only in India but at the global stage. Thank you, sir, for your valuable time, presence and continuous guidance. Further, I would like to thank our senior officers including senior DEC Dharmendra Sharma, Nitesh Vyas, DECs Ajay Bahadur, Hirdesh Kumar, RK Gupta, Director General Narayanan, DG Neeta Verma, for your guidance and motivation towards conduct of not only this event but conduct of various sweep activities from time to time. No program of such kind could be organized without a leader present on the field. Our Deputy Election Commissioner Manoj Kumar Sahu has led the entire team to make sure that things fall in place the way they are planned. Thank you, sir, for making this event, as other events, a grand success. I would like to appreciate the wholehearted support and tireless efforts of our entire team at Sweep Division, including senior consultants Sadhana Raut, RK Singh,
Secretary Santosh Kumar and all other officials who always stand together to make things work in a true team spirit manner. I would also like to thank protocol, media, and establishment divisions for their unwavering support and continuous help towards the successful conduct of this event. It is important to recognize the contribution of Rajkumar Rao's team, Ms. Mona Joshi, who is present here. Thank you, Mona, for acting as a wonderful bridge and facilitating all communication. I would like to thank CEO Delhi and his office, DO New Delhi and his office, and their entire team for the presence of young voters in the auditorium today. Also, thanks to the young voters for their enthusiastic participation in today's event. Media is a friend and ally for ECI. I would like to thank media people for your wonderful presence today and taking our message to our electors. Once again, thank you to the constant support from the Honorable Commission, and thank you to the team for your relentless efforts. I would like to end my vote of thanks with a quote from Newton film. Jab tak kuch nahi badloge na dost, kuch nahi badlega. If you change nothing, nothing will change. Therefore, we should all pledge. There's nothing like voting, and we all must vote for sure. Thank you, sir. Thank you, Shri Santosh Ajmera Ji, Director Sweep, for your concluding remarks. And now for the group photograph. First, we'll have our Honorable Commission and Shri Rajkumar Rao Ji. Now, I'll request Deputy Election Commissioners, DGs and CEO Delhi, along with Director Sweep, to please join us on stage for the group photograph. I'm requesting Deputy Election Commissioners, our DGs, CEO Delhi, and Director Sweep to please join us for the group photograph. I'll now request Sweep Division to kindly come onto the dais for the group photograph. Now I'll invite co-team, protocol first.